18 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 51 नए मरीज पाए गए हैं और इसके अलावा एक दिन में कोरोना से 173 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के अब 650 एक्टिव मरीज रह गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सक्रिय मामले कोरोना से जो अभी भी संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे मामले 650 रह गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 98.92% पर यह पहुंच गया है। 556 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज पिछले 24 घंटे में लगाई गई और इसके अलावा 1954 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई है पिछले 24 घंटे में और बूस्टर डोज बड़ी संख्या में बूस्टर डोज दिए गए, 6599 लोगों को बूस्टर डोज दिए गए। प्रदेश में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए। जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी कोरोना को लेकर के, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, लगातार इस तरीके से प्रदेश में कोरोना के जो 118 मामले जो है वो सामने आए। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 51 कोरोना के नए मरीज जो है वो सामने आए। यमुनानगर की बात की जाए तो 3, फरीदाबाद में 11, रोहतक में 7, हिसार के 6। तो वहीं कोरोना से लगातार कोरोना के मामले जो है वो लगातार तेजी से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोरोना से रिकवरी की बात की जाए तो 173 मरीज जो है वो सही होकर अपने घर जा चुके हैं। और वही बात की जाए कोरोना से एक्टिव मामलों की तो 650 जो कोरोना के हरियाणा में टोटल मामले हैं वो एक्टिव है। और प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 98.92% जो है वो दर्ज की गई है। वही बात की जाए वैक्सीन की तो पहली जो डोज है 556 लोगों को वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। वहीं दूसरी डोज की बात की जाए तो 1954 लोगों ने जो है दूसरी डोज लगवाई गई है। वहीं टोटल डोज की अगर बात की जाए तो 6599 डोज जो है वो लोगों को लगा चुके हैं। और बता दें जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोग भी कहीं ना कहीं से जागरूक है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीन का काम जो है वो लगातार कर रहा है और उसी का कारण जो है कोरोना के मामले जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए जयप्रकाश बहुत शुक्रिया आपका।